हवाई यात्रा करने वालों को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री सख्त हो गई। अब लापरवाह यात्रियों को उड़ान की इजाजत नहीं होगी। इतना ही नहीं, उन्हें नो फ्लाइट लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा। इसलिए अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो सावधान हो जाएं। घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले भले ही कुछ भूल जाइए, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मास्क लगाना भूल गए तो फिर आपको बिना यात्रा किए ही घर वापस आना पड़ेगा। सरकार के एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एक आदेश जारी कर ऐलान किया है कि जो हवाई यात्री उड़ान के दौरान फेस मास्क नहीं पहनेंगे, उन्हें आगे की यात्राओं के लिए नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। नो फ्लाइट लिस्ट का मतलब ये कि जो यात्री जानबूझकर उड़ान के दौरान मास्क नहीं पहन रहे हैं, उन्हें आगे किसी भी एयरलाइंस में उड़ान की इजाजत नहीं होगी। ये एक तरह की ब्लैक लिस्ट होती है। इस लिस्ट में शामिल नामों को सभी एयरलाइंस के साथ शेयर किया जाता है, ताकि ऐसे यात्री किसी भी एयरलाइंस से उड़ान ना भर पाए। लेकिन ऐसे यात्री जिन्हें हेल्थ इश्यू की वजह से मास्क लगाने में दिक्कत है, उन्हें बिना मास्क के यात्रा की इजाजत मिल सकती है। लेकिन ऐसे यात्री को अपने साथ के यात्रियों का ध्यान रखना होगा। हवाई यात्रा के दौरान अगर कोई यात्री मास्क नहीं लगाता है तो फ्लाइट के क्रू मेंबर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अगर यात्री फिर भी मास्क नहीं लगाता तो ऐसे यात्रियों का नाम क्रू मेंबर नो फ्लाइट लिस्ट में डाल सकते हैं।